अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिर फ्रॉम एयरगन रिव्यू पाकिस्तान। जी, हम आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ये है गेमो कंपनी का C15 मॉडल है। ये एयर पिस्टल है ब्लो बैक वाला। ये ड्यूल कलर में हमारे पास है, एक जो है ये FDE कलर और दूसरा जो है ब्लैक कलर। इन दोनों कलर में अवेलेबल है हमारे पास, डबल कलर में। बाकी इसकी जो ख़ास बात है, ये डबल एमओ है। इसमें एक नंबर का चरा भी मिलता है और स्टील भी मिलती है। बाकी इसका जो FPS है वो भी तकरीबन 430 FPS है, वो बहुत ज़्यादा होता है। चाइना का जो छोटा एयरगन होता है उसके मुकाबले का इसका FPS है। बाकी भी इसमें जो ख़ास ख़ास बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये CO2 पावर है, ब्लो बैक है, मल्टी शॉट है। बाकी इसमें स्टील का चरा भी डलता है और पैलेट भी डलता है, एक नंबर का। बाकी इसके डब्बे में और तो कुछ होता नहीं है ख़ास, सिर्फ ये कैटलॉग होता है। कैटलॉग में भी सारा तरीका दिया हुआ है मैनुअल गाइड करने के लिए। बाकी मैं अभी पिस्टल के बारे में बताता हूँ। ये गेमो कंपनी का C15 मॉडल है, ब्लो बैक। ये इसकी जो है ये सेफ्टी है, मैनुअल सेफ्टी है इसमें। बाकी जो है ये ब्लो बैक है, मगर जिसमें पैलेट लगता हो एक नंबर का, वो पीछे आके रुकता नहीं है। जो सिर्फ स्टील भी वो रुक जाता है। बाकी जिसमें डबल ऑप्शन होता है वो रुकता नहीं है। ब्लो बैक होता है मगर रुकता नहीं है। सिंगल एक्शन भी है, डबल एक्शन भी है इसका ट्रिगर। बाकी ये रेल भी दिया हुआ है, आप अगर इसके ऊपर कोई लेज़र वगैरह टॉर्च वगैरह लगाना चाहते तो आराम से लग जाएगा। बाकी इसका CO2 का सिलेंडर लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये निकलेगा इस तरह, इधर ये CO2 सिलेंडर डलेगा। ये पहले आप इसको लूज़ करोगे थोड़ा सा, उसके बाद जो है CO2 सिलेंडर को, ये इसका मैगजीन है। बाकी मैं इसमें CO2 सिलेंडर भी लगा के दिखाता हूँ और चरे भी लगा के दे दो किस तरह लगता है हमारे। ये इसके अंदर ये डबल एमओ यूज होता है, एक नंबर का चर्रा भी और स्टील भी। बाकी इसमें ये CO2 सिलेंडर है 12 ग्राम का। इसका लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले ये लूज़ होगा, ये अंदर बैठ गया अपनी जगह पे। उसके बाद फिर इसको टाइट करना है। ये इसमें हो गया, और इसको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना ताकि इसके अंदर की सील ख़राब हो जाए। इसको नॉर्मल टाइट करना है, एक बिल्कुल कम भी नहीं करना ताकि गैस लीक हो जाए, और ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता टाइट करना। बाकी ये टाइट हो गया, अभी मैं इसको खाली चलाता हूँ। ये जो है इसका मैगजीन है, डबल मैगजीन है। इस तरफ से भी आप इस्तेमाल करते हो, इस तरफ से। बाकी इसमें ये स्टील का चरा भी डलता है और एक नंबर का पैलेट जो होता है वो भी डलता है। अभी मैं इसमें स्टील का चरा डाल के फायर करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह चलता है। चलो, डालने का तरीका भी ये निशान दिया हुआ, इस तरफ से डालेंगे। ये इसमें 8 स्टील के चलाए लोड होगा, इसको मैं फायर करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह चलता है। ये फायर के लिए रेडी, इसको मैं चेक करता हूँ चला के। ये इसका दूसरा एंगल से देखना इसका शॉट। ये चरे ख़त्म हो गए तो उसका आवाज़ भी चेंज हो गया। जैसे कि आप सब ने इनकी शूटिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी, निशाना भी इसका बहुत अच्छा है। बाकी जो है इसकी कीमत जो इस टाइम पे हमारी वेबसाइट पे लगी हुई है 22,000 रुपये। बाकी कीमत चेंज भी हो सकती है, कभी महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है। इस टाइम पे तो ये कीमत है, कीमत चेंज होते रहते, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। बाकी जो है इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑर्डर करने का तरीका बहुत आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर दे सकते हो, scopesonbarrel.com। बाकी जो स्क्रीन के ऊपर दो नंबर भी आ रहे होंगे, आप उससे फ़ोन और व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो हम आपको जवाब देंगे। बाकी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, एयरगन के बारे में या चरों के बारे में, CO2 सिलेंडर के बारे में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। बाकी जो है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।